अभी कुछ ही घंटे पहले WhatsApp ने एक नई अनाउंसमेंट करी है। आइए देख लेते हैं कि ये क्या है और आप इस नए डेस्कटॉप ऐप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। WhatsApp ने अपने ब्लॉग में अभी बताया है कि अब WhatsApp को आप डेस्कटॉप से भी यूज कर पाएंगे, चाहे वो PC हो या फिर Mac। WhatsApp की एक नई ऐप लॉन्च हुई है जो खास डेस्कटॉप्स के लिए बनाई गई है। अब आप WhatsApp को Mac से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास iOS 10.9 या उससे ज्यादा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में विंडोज 8 या उससे नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पर WhatsApp की ऐप तो पहले भी PC से इस्तेमाल कर सकते थे। इस टॉपिक पर तो हमने कई महीने पहले एक वीडियो बनाया भी था। तो फिर अब नया क्या है? अब WhatsApp की ऐप एक नेटिव ऐप है, मतलब आप डेस्कटॉप से उसे सीधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउजर को अब खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेटिव ऐप होने का फायदा ये है कि आपको मैसेजेस की नोटिफिकेशंस सीधा आपके कंप्यूटर पर ही आ जाएंगी। मेरे साथ कई बार ये होता था कि मैं कंप्यूटर पर बिजी होती थी और WhatsApp के मैसेजेस कई घंटों तक मिस हो जाते थे, दिखते ही नहीं थे। इस WhatsApp की डेस्कटॉप ऐप से अब आप अपने मैसेजेस लगातार देख सकते हैं। अब आपको दो कदम लेने हैं। पहला कदम है कि आपको WhatsApp की जो ऐप है वो अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद उसे खोल लीजिए। दूसरा कदम ये है कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा। आप अपने फोन से उस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो आपके कंप्यूटर पर WhatsApp खुल जाएगा और आप सीधा ही उसे यूज कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको अपने विंडोज 10 PC से WhatsApp इस्तेमाल करना सिखा देती हूँ, वो भी डेस्कटॉप ऐप से। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए whatsapp.com/download। अब ये एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास अगर विंडोज का PC है तो आप इस ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करके अपने PC के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक करके हम विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव कर देती हूँ और ये exe फाइल अब मेरे कंप्यूटर में सेव हो रही है। ये लगभग 60 MB की फाइल है, तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन अगर आपका कनेक्शन स्लो है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे। ये देखिए, ये ऐप अब आ गई। अब हम इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। तो अब ये एक पॉपअप सा खुल गया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन में ये WhatsApp को खोलकर मेन्यू में WhatsApp वेब देख सकती हूँ। अगर आपके पास iPhone है, BlackBerry, Nokia S60, BlackBerry 10 या Windows Phone, तो आप उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। अब ये है मेरा फ़ोन। यहाँ पर ये WhatsApp पहले से मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। मैं इस WhatsApp की ऐप पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, ये WhatsApp खुल गया। क्योंकि ये मेरा Android फ़ोन है, इसलिए मुझे मेन्यू में जा कर के WhatsApp वेब पर जाना होगा। यहाँ देखिए, ये ऊपर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये WhatsApp वेब क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है कि आप QR कोड स्कैन कर लीजिए। और अब मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन रखा और देखिए, ये जो है QR कोड स्कैन हो गया। और अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे कंप्यूटर पर ये WhatsApp खुल गया है। चलिए अब यहाँ पर कोई मैसेज भेज देती हूँ अपने दूसरे फ़ोन से। ये देखिए, ये गुड मॉर्निंग का मैसेज तो आ ही गया और यहाँ पर मुझे एक 1 दिख रहा है ग्रीन में। लेकिन अब आप नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये देखिए कि यहाँ पर आपको इस तरह से एक अलर्ट आ रहा है, ये नीचे आपको एक अलर्ट भी आता है और एक साउंड भी आता है, और इससे अगर आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन की वजह से आप WhatsApp के मैसेजेस को मिस नहीं करेंगे। तो जब आप काम भी कर रहे होंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन इस तरह से यहाँ पर नीचे आ जाएगी और आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा ही अपने WhatsApp में जा सकते हैं। जाने से पहले एक और बात बता देती हूँ, और वो ये कि अगली बार जब आप आएंगे तो आपके डेस्कटॉप पर ये एक आइकन सा क्रिएट कर दिया गया है, आपको उस ऐप को दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही यहाँ से इस शॉर्टकट पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पर WhatsApp की ऐप खोल सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर WhatsApp की डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप अपनी WhatsApp की नोटिफिकेशंस मिस नहीं करेंगे। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर और भी जानकारी पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।